डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज 9B स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1। इफ 48 मैन कैन डिग ए ट्रेंच इन 48 मैन कैन डिग ए ट्रेंच इन 14 डेज, हाउ लॉन्ग विल 28 मैन टेक ए डिग अ सिमिलर ट्रेंच। हेंस 48 men can dig a trench in 14 days। कह रहा है कि 48 आदमी जो है किसी गड्ढे को 40 दिन में खोदता है, तो वन मैन कैन डिग ए ट्रेंच, एक आदमी क्या करेगा, ज्यादा दिन लगेगा, क्या होगा, मल्टीप्लाई 14 × 48। सो 28 मैन कैन डिग ए ट्रेंच, कम दिन में, एक के बनिस्पत 28 मैन क्या होगा, कम दिन में करेगा, क्या करेंगे, डिवाइड 14 × 48 बाय 28। 14 × 1 = 14 × 2 = 224 days। इट्स योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। 45 cows can graze a field in 13 days। How many cows will graze the same field in 9 days? कह रहा है क्या कि 45 गाय जो है, 45 cows जो है किसी फील्ड को 13 डे में चर सकता है, तो 9 डेज में चढ़ने के लिए कितने गाय की, कितने cows की आवश्यकता होगी, ऐसे लिखेंगे। हैंस इन 13 डेज अ फील्ड कैन ग्रेज 45 काउस। इन वन डेज, एक दिन में अधिक चाहिए, 45 × 13। So 9 days come to divided by 9. 9 × 5 = 13, 5 = 65 cows. 65 cows answer. क्वेश्चन नंबर 5। ए गर्ल कैन फिनिश ए बुक इन 25 डेज इफ सी रीड्स 18 पेजेस ऑफ इट एवरी डे, हाउ मेनी डेज विल सी टेक टू फिनिश इट इफ सी रीड्स 15 पेजेस एवरी डे। कहता है कोई गर्ल जो है अगर 18 पेजेस डेली पढ़ती है तो कितना 25 डेज में कंप्लीट होता है, तो कह रहा 15 पेज अगर पढ़ेगी तो कितना दिन में वह कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हेंस 18 पेजेस रीड्स एवरी डे, देन फिनिश अ बुक 25 डेज। सो 1 पेजेस रीड्स देन फिनिश, ज्यादा दिन लगेगा एक पेज पढ़ने पर, तो 25 × 18। सो 15 पेजेस रीड्स, कम दिन लगेगा, 25 × 18 = 15। 5 × 3 = 5, 5 + 3 = 6, 5 + 6 = 30 days।
क्वेश्चन नंबर 7, ए बस कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस इन 3 आवर्स 20 मिनट्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। कहता है कि एक बस जो है 45 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलने पर एक निश्चित दूरी सर्टेन डिस्टेंस दैट मींस 3 आवर्स 20 मिनट्स में कवर कर लेती है। तो कहता है कि वही बस अगर 36 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलेगी तो वह कितने देर में उस दूरी को तय कर लेगी, उस डिस्टेंस को कवर कर लेगा। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि स्पीड कितना है, 45 किलोमीटर पर आवर है, तो उसमें देखते हैं कि 3 आवर 20 मिनट में कितना दूरी कितना तय करेगा। तो 3 टोटल टाइम कितना है जी, 3 आवर टोटल टाइम 3 आवर्स 20 मिनट्स एट फर्स्ट चेंज इन टू मिनट, 3 आवर्स यानी 3 इंटू 60 प्लस 20 200 मिनट्स। ठीक है, तो 45 किलोमीटर पर आवर मतलब 60 मिनट में 45 किलोमीटर, हेंस इन 60 मिनट अ बस कवर्स 45 किलोमीटर। तो 1 मिनट कम होगा तो 45 बाय 60 200 मिनट, ज़्यादा होगा तो 45 बाय 60 इंटू 200 150 किलोमीटर, यानी 150 किलोमीटर हो गया। अब यहाँ बना देते हैं इसको, अब उस साइड बना देते हैं। ठीक, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस 150 किलोमीटर। नेक्स्ट स्पीड ऑफ बस, स्पीड ऑफ बस कितना है, 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर टाइम टेकन बाय बस, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस 150 बाय स्पीड 36। सिक्स ट्वेंटी फाइव बाय सिक्स दैट मीन्स 4/1/6 आवर्स आंसर। या इसको हम लोग 1/6 को क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो 4 आवर्स 1/6 इंटू 60 10 जा 4 आवर्स 10 मिनट्स आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, ए कॉन्ट्रैक्टर employed 210 men to build a house in 60 days. After 12 days, he was joined by 70 more men. In how many days will the remaining work be finished? कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर जो है 210 आदमी को देता है काम में, तो वो 60 दिन में काम को कंप्लीट करता है, 12 दिन के बाद क्या करता है, 70 आदमी को और उसमें डाल दिया गया, यानी कितना हो गया 210 प्लस 70 280, तो 280 मैन कितना दिन में फिनिश करेगा, तो ऑलरेडी 12 दिन के बाद क्या, तो 12 दिन तो इसका वर्क हो चुका है, तो टोटल टाइम कितना बचा है इसके पास, 60 में से 12 माइनस कर देंगे 48 डेज, यानी 40 और लेबर कितना हो गया टोटल, तो 210 प्लस 70 280 मैन हो गया। ये 210 मेन जो है 48 डेज में काम करता है रेस्ट वर्क को, तो कह रहा है कि 280 मेन कितना दिन में काम करेगा। ठीक है, हेंस 210 मेन कैन रेस्ट वर्क इन 48 डेज।
रेस्ट वर्क या रिमेनिंग वर्क? रिमेनिंग वर्क ही लिख दो, क्या दिक्कत है? रिमेनिंग वर्क। सो वन मैन ज्यादा में करेगा 48 इंटू 210, सो 280 मैन, 48 इंटू 210 बाय 280, 1010, 73 जा 74 जा, 412 जा 123 जा 36 डेज। आंसर क्वेश्चन नंबर 11। ए ग्रुप ऑफ 120 मेन हैड प्रोविजंस फॉर 200 डेज, यानी 120 आदमी के लिए 200 डेज का भोजन का व्यवस्था है। आफ्टर 5 डेज 30 मेन डाइड, यानी 5 दिन के बाद 30 आदमी मर गया ड्यू टू एन एपिडेमिक बीमारी से। हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग फूड लास्ट? ठीक है, तो 200 डेज था जिसमें 5 डेज तो खत्म हो गया, खा के मरा है, कितना डेज बचा? तो 200 माइनस 5 195 डेज। कितना आदमी बचा 30 आदमी मरने के बाद? तो 120 माइनस 30 90 मैन, यानी हेंस 195 डेज प्रोविजंस फॉर 120 मैन। तो 1 डेज ज्यादा चलेगा तो 120 इंटू 195, सो 90 मैन, तो 120 इंटू 95 बाय 90, 34 जा 90 मैन। डेज प्रोविजन फॉर 120 मैन, 120 इंटू 195, सॉरी 31 जा 36 जा 18, 35 जा 65, 4 जा 260 डेज। आंसर एक्सरसाइज इज कंप्लीट।